नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। फतेहाबाद पुलिस ने रतिया के गांव कमाना में लगाया नशा मुक्ति शिविर। एसपी ने नशों की गुप्त सूचना देने वाले को 5,000 नगद इनाम देने की घोषणा की। नेशनल ड्रग्स डे के उपलक्ष में जिला पुलिस द्वारा गांव पंचायत कमाना के सहयोग से गांव कमाना में मंगलवार को देर शाम नशे के विरोध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं रतिया पल पल से राजेंद्र मित्तल की ये रिपोर्ट। फतेहाबाद पुलिस ने रतिया के गांव कमाना में नशा मुक्ति शिविर लगाया। यह कार्यक्रम नेशनल ड्रग्स डे के उपलक्ष में जिला पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत कमाना के सहयोग से गांव कमाना के अंदर मंगलवार को देर शाम नशों के विरोध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने भाग लिया, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर उप पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह पूनिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव की सरपंच अमनदीप कौर ने की। वहीं सरपंच प्रतिनिधि गुरमीत सिंह, सरदार थाना अध्यक्ष कपिल सिंह सिहाग, प्रधान सादा सिंह लंबा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में युवाओं व महिलाओं के साथ साथ भारी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में गजराज सिंह कमाना के नेतृत्व में नाटक मंडली ने नशों के विरुद्ध में कड़े प्रहार किए। वहीं जग्गी खान ने भी गीतों के माध्यम से नशा छोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक सारण ने घोषणा की कि जो भी ग्रामीण नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देगा, उसे 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक दीपक सारण ने अपना व अन्य पुलिस अधिकारियों का नंबर सार्वजनिक करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति नशे की सूचना इन नंबरों पर या व्हाट्सएप पर दे सकता है, तो नशे के तस्करों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सूचना देने वाले को उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। किसी भी हालत में उसका नाम सामने नहीं आएगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण नशे की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए पुलिस का डटकर साथ दे। जिला पुलिस फतेहाबाद जिले के नशे को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नशा बेचने वाले और खरीदने वालों पर लगाम लगाने के लिए गांव-गांव जाकर यह अभियान चलाया जाएगा और नशा बेचने वालों की धरपकड़ भी की जाएगी। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वह अपने बच्चों की देखभाल रखें और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरणा दें। साथ ही अगर कोई आपके बच्चों को नशा करने के लिए प्रेरित करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने नाटक मंडली व गायकों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आप देख रहे थे ये पल पल की खास रिपोर्ट। आपको कोई भी चीज एबनॉर्मल, क्योंकि माता बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताती है, उसके आचार व्यवहार के बारे में ज्यादा जानती है, कोई भी आपको दिक्कत लगे आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, डॉक्टर से सलाह लें। इसके अंदर ये नहीं कि जो इस प्रकार के नशे की लत का ग्रसित है उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसकी लत छुड़वा के और जो उसको सप्लाई करता है उसको पकड़ के हम सलाह के पीछे भेजें। मैं यहाँ पर स्टेज पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर अभी मैं आपको नोट करा दूंगा। आपको कोई भी सूचना हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा ही नशे का काला कारोबार करता हो, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप डालिए। आपको आगे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। मैं उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कार्रवाई करूंगा और अगर आपकी सूचना सच्ची निकली तो मैं आपको 5,000 से 10,000 रुपए का सीक्रेट रूप से इनाम भी दूंगा। इसमें आपकी पहचान कहीं भी उजागर नहीं होगी, वो मेरी तरफ से होगा। इसके अंदर मेरा नंबर है, आप नोट करना चाहें तो 88-140-11-700 और जो डीएसपी हेडक्वार्टर साहब है हमारे, उनका है 88-140-11-702। एसएचओ रतिया साहब का है 88-140-11-709 और चौकी इंचार्ज आपकी सेवा में यहीं पर है। आपको इन्हें कुछ भी बताना हो, ये आपके चौकी इंचार्ज है, आपकी सेवा के लिए यहां पर लगाए हुए हैं, आपके ऊपर हुक्म चलाने के लिए नहीं है। यहां पर आपकी सेवा के लिए, आपको कोई काम हो, कोई शिकायत हो, आपका त्वरित तौर पर निपटारा करेंगे। नहीं होता तो आप एसएचओ साहब से, डीएसपी साहब से, मुझसे, कहीं पर भी, मेरे घर पे भी आके आप मिल सकते हैं। 24 घंटे लिए आपके मेरे दरवाजे खुले हैं। मैंने नशे के लोगों द्वारा, युवाओं द्वारा, बुजुर्गों द्वारा
जी अंकल से एक